ये गलत किया है थाना और आंदोलन का रूप रेखा इस पर बनने जा रहा है। धन्यवाद। फरियाद लेकर भगवानपुर थाना पहुंचे मंडल अध्यक्ष जो थे उनको घंटों हाजत में बंद कर दिया गया। नमस्कार, अहां सब देख रहल छिए बीएनपी न्यूज, हम छौं बम बम कुमार। अभी हम बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड में छौं। भगवानपुर प्रखंड से अहां के सीधी तस्वीरें देखबे ले चाहे छौं। देखियो कि यहां पर जो छै भारतीय जनता पार्टी जो छै भारतीय जनता पार्टी के यहां पर सब कार्यकर्ता जो छै कार्यकर्ता देखियो धरना पर बैठे छै। यहां पर भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय छै और अंचल मुख्यालय के गेट जो होय छै गेट पर धरना पर बैठे छै। इनकर मांग छै अनिश्चितकालीन धरना पर छै और इनकर जे मांग छै जे से पांच सूत्री मांग छै और मांग की छै अहां सबके बतावल चाहे छौ। जे इनकर जे छै अभी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह छथि, इनकर अभी बछवाड़ा के विधायक छथि और दोनों सांसद विधायक रहता के बावजूद जे छै से धरना पर बैठल छथि। आखिर इनकर की मांग छै? ओ सीधे यहां भाजपा कार्यकर्ता छथि, इनका से जानल चाहब जे की मांग छै अहां के। मेरा डिमांड है बिहार सरकार के गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग यहाँ हल्ला बोल में आए हैं। ठीक है, हम लोग की डिमांड है बिहार सरकार का यहाँ जो ब्लॉक है इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ अपना डिमांड रखने आए हैं। एकटा सवाल हम अहाँ से करे ले चाहे छौ। जब से अहाँ सरकार से अलग भेलिए तब से अहाँ जो छै विरोध में हरदम बजैत रहै छियै, सरकार के विरुद्ध बजै छियै। जब अहाँ सरकार में छलिए ओहि समय अहाँ विरोध नहीं करै छलिए, लेकिन जब से सरकार से साइड होलिए हन अहाँ विरोधे में बजै छियै। अहाँ के प्रशासन जो छथि ओहो अहाँ के टारगेट में लेने छथि, अहाँ के कार्यकर्ता के जो छै से हाजत में प्रशासन बंद कह देलका और अहाँ सब चुप्पी साधने छियै। अहाँ एना किया कह रहल छियै? कार्यकर्ता जहाँ तक हाजत में बंद करने का सवाल है, प्रभारी जी से बात हुई, प्रभारी जी को मालूम नहीं था ये मेरे कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आम लोग समझ के उसमें एक घंटा 10 मिनट के लिए उनको रखा गया, लेकिन प्रभारी जी को मालूम नहीं था ये मेरे मंडल अध्यक्ष हैं या पार्टी के पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं। प्रभारी से मेरी बात हुई, मेरे जिलाध्यक्ष की बात हुई, मेरे विधायक जी से बात हुई, हमारे मुखिया जी मुकेश जी से बात हुई, वो लोग बताए हमको नहीं जानते थे। ऐसे ही कुछ देर के लिए दोनों पार्टी में दोनों विवाद चल रहा था, शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए इनको 10-20 मिनट के लिए हाजत में हमको रखना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। लेकिन ऐसी दरोगा के खिलाफ या कोई पुलिस प्रशासन के खिलाफ मेरा कोई अमन अनशन धरना करने का नहीं है, हम लोग बिहार सरकार के विधि व्यवस्था के खिलाफ हैं। दरोगा की बात जहाँ तक है इसमें हम लोग उस विधि व्यवस्था उनके खिलाफ हम लोग नहीं है। सरकार के साथ साथ जब अहाँ सब छलिए तो उस समय नहीं इस तरह की व्यवस्था चरमायल रहे व्यवस्था की? नहीं, जिस समय हम लोग सरकार के साथ था सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, भाजपा का दबाव था नीतीश जी पर, इसीलिए अच्छी सरकार चल रही थी। जब से राजद का साथ में आए हैं उस समय से यहाँ अपराधियों का बोलबाला मनोबल काफ़ी चरम पर है, इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ हैं। चलो, ये चुन्नू दा छता ये जो छे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता छता और ये साफ तौर पर कहलका हन जदयू के साथ जब तक हम लोग छलिए तब तक जो छे से सरकार ठीक ठाक छता और जदयू से जो छे से जब से नाता टूट गया है तब से छे से विरोध में आबि गेल छता। और कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता छथि, हम इनका से हम सीधे बात करब। देखियो कि यह छता भाजपा के मंडल अध्यक्ष छता और इनकर नाम पंकज पासवान जी भेला, लेकिन जब ये फरियाद लेके अला रहे भगवानपुर थाना में तो इनका जो थाना अध्यक्ष जो से हाजत में बंद कह दिलखिन। तो हम तो थाना अध्यक्ष से पूछबे जे अहाँ कौन टा संविधान में अहाँ पढ़ के लिए या बिना FIR के अहाँ जो हाजत में केकरो बंद कह दिलिए? आ भाजपा की कार्यकर्ता छथिन तो इनका माथा पर से मोहर लगल छे कि अहाँ बतबू तो? आ कोई टा जनता छे या कोई लोग छे यौ तो अहाँ सब बतैयो केकरो अहाँ इस तरह से हाजत में नहीं बंद कह सके छे? इस सब अहाँ बात समझियो। वह सब विभिन्न मुद्दा छे भगवानपुर प्रखंड में छे भ्रष्टाचार हो रहल छे, अंचल में भ्रष्टाचार हो रहल छे, मनरेगा में छे ओकरा में भ्रष्टाचार, पांच सूत्री मांग ये अपन बतावत छथि भाजपा कार्यकर्ता। वो अपन जो छे पांच सूत्री मांग लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे छथि। पंकज जी की मामला छे, किया बैसल छे? हम लोग सरकार के खिलाफ हैं, उनका कानून व्यवस्था जब से राजद से गठबंधन हुआ है तब से कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गया है, इसलिए हम अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि इसका सुधार हो। की मांग ये अहाँ के मांग की है? मांग यही है जो प्रखंड में जितना जैसे दाखिल खारिज में हो उसमें
अनिता नहीं होना चाहिए या मनरेगा में नहीं होना चाहिए, इंदिरा आवास में नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी गरीब से पैसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं जे गरीब का ईमानदारी पूर्वक मिल जाना चाहिए। अहाँ भाजपा के मंडल अध्यक्ष छे, हवालात के हवा के लिए कैसन मन करे रहे अपने का, जखन हवालात के हवा खाए रहिए मन लगे रहे अहाँ के? देखिए वो हवालात की बात आप करते हैं तो उस टाइम वो भी पहचान मेरा नहीं पाए थे, हम उनको कहे हम चोर गुंडा नहीं हैं, इसलिए हम ईमानदार हैं, आप पता कर लीजिए, हम चोर गुंडा हैं नहीं जो आप हमको बंद कर रहे हैं, यही बात था। तो बाद में वो अपना कितने देर हवालात में कितने देर रह लिए रहे? वो 2-3-4-5 मिनट रखे, उसके बाद हमको वापस। लेकिन हमरा पास अहाँ का बयान है, वही में अहाँ बजे छे आधा एक घंटा रह लो, वही 10-20 मिनट जो है उसमें घड़ी हम नहीं मन लगे चले न, मन क्या लगता था, मन और नहीं। चलो ये देखियो के बेगूसराय में छो अहाँ के बजे छो, भगवानपुर प्रखंड से, भगवानपुर प्रखंड से अहाँ के हम मैथिल में बजे के प्रयास करे छो, बहुत लोग के आग्रह आवे छले जे आप हम जे मैथिल में तनी बजियो, तो हम सोचलो ठीक छे मैथिली में अहाँ के हम रिपोर्टिंग करब, भगवानपुर प्रखंड से सीधी तस्वीर देखबे छो, भगवानपुर प्रखंड से अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर जे छे भाजपा के कार्यकर्ता छे, उसे 5 सूत्री मांग लेके जे बैसल छता, आ उसमें जे छे से अहाँ के बतावे चलो जे बेगूसराय के अभी सांसद जो है से गिरिराज सिंह छे, बछवाड़ा के विधायक छे सुरेंद्र मेहता जी, दुनू छता, लेकिन ओकर बावजूद जो है आखिर की भए गेले मुकेश दा जे अहाँ सब का प्रखंड से अंचल कार्यालय पर धरना में बैसल छलिए, ऐसा की बात भ गेले? धरना का मुख्य कारण यही है जो प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसी भी काम में सही ढंग से जनता का काम नहीं हो पाता है, आम जन परेशान है, एक भी कार्य सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसका काम है अलख जगाना और लोगों को जागरूक करना, और प्रखंड प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं जो भाई लोग का काम सही ढंग से हो, आम जनता परेशान ना हो। आज बम जी आप पत्रकार हैं, स्थानीय लोग हैं, आपको पता होगा हर पंचायत में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ला में जाइए, वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, दिव्यांग है, कन्या विवाह का पैसा नहीं मिल रहा है, कभी अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिल रहा है, बहुतों लोग वंचित हैं विकलांग पेंशन से, दिव्यांग पेंशन से, विधवा पेंशन से, ये जितनी भी कल्याणकारी योजना है लोगों को सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। तो हम भाजपा का कार्यकर्ता हैं, मेरा काम है जागरूक करना लोगों को, और खुद जागरूक सब कार्यकर्ता हम लोग मांग करेंगे जो और सही ढंग से काम होगा। चलो भाजपा पूर्वी के मंडल अध्यक्ष छथि महेंद्र जी, हम इनका से हम जानल चाहब, अहाँ सब बैसल छे की मांग है अहाँ के? हम लोगों को मांग आप लोगों के सामने में या प्रशासन के सामने में यही रखने के लिए आज आए हैं, जो ये अंचल और क्या कहते हैं वीडियो कार्यालय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हमारा जनता आता है तो जनता काम नहीं होता है, जनता को बराबर घूमना फिरना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो है जो हम लोगों का एक योजना है मनरेगा का, उसमें तमाम भ्रष्टाचार है, सही न तो आदमी मिल पाता है और न हमारे पदाधिकारी सही ढंग से उनको बता पाते हैं, ना ही काम कर पाते हैं। तीसरा हम लोगों का मांग है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें तो पूरा एकदम पूरा भ्रष्टाचार है, बहुत आदमी को पैसा दे दिए हैं अधूरा पड़ा है, बहुत आदमी को मकान बन गया है और अंतिम वाली किस्त नहीं मिला है, यही सब सारे 5 सूत्री मांग है। अंतिम मांग हम लोगों का है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, सही आदमी का चुनाव हो, गलत आदमी का चुनाव नहीं हो, सही आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जो हैं उनको जोड़ना नहीं है, इसका बढ़िया से पंचायत में ओ अति लगा के और आराम से उनका चुनाव हो और चुनाव हो के सही सही आदमी को वह मिल जाए, और अंचल में जो दाखिल खारिज में पेपर में भी सुनने का आप लोगों को मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसका मुक्ति के लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।
रहता भगवानपुर पूर्वी मंडल का अध्यक्ष रहता महेंद्र पास महेंद्र महेंद्र महतो जी रहता अहाँ सब के हम अवगत करवाबे चाहे छौं जे भगवानपुर प्रखंड में देखियो के सुबह भेलै ये लगभग 11-12 बजे हेतै और अब से छे भाजपा के कार्यकर्ता छता धरना पर बैसल छता और 5 सूत्री मांग लेके जे छे अपना धरना पर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर छता। अब देखल बड़ा जरूरी हेतै बड़ा दिलचस्प हेतै जे अभी धरना में जे छे से अब के सब आवे छता हम उनकरो से हम सवाल करब और अहाँ सबके हम वो बयान सुनाब जो पंकज पासवान जी छथि उनका थाना अध्यक्ष की तरह से जे छे हाजत हम बंद कह दिलकार हम अहाँ बार बार कहे छी और वो बयान भी अहाँ हम सुनाब जरा माननीय विधायक जी कहे छता जो हम जे छे से ओकरा में जे छे से थाना अध्यक्ष सस्पेंड करवा देवे विभिन्न प्रकार से अपडेट छे और कुछ मनोज दा कहे चाहे छे मुकेश दा की कहे छे कहू। जहाँ तक थाना अध्यक्ष जी का सवाल है तो हम लोग जब गए थे उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने अपनी बात भी रखी और हम लोग भी अपना बात रखे। अगर उनका कर्मचारी था रामजन्म पासवान उन्हीं के साथ पंकज जी का जमीनी विवाद था जो स्पष्ट बात है और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था जो बाद में जब पेपर देखे सीओ साहब का रिपोर्ट देखे तो उसके बाद थाना अध्यक्ष जी मेरी बात को समझे उसके बाद उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा या संगठन का कोई लड़ाई तो उनसे बनता नहीं है। अगर लड़ाई की बात होती या जायज मांग की बात होती तो हम लोग उनके खिलाफ भी होते और यहाँ से ऊपर तक भी जाते आमना ननसन पर बैठते धरना पर बैठते जो भी होता करते लेकिन जब वो उचित बात को समझने के लिए तैयार हैं तो फिर लड़ाई रही कैसी। तो हम लोग तो अपना मांग अभी भी यहाँ रख रहे हैं जो उचित बात है पर विपक्ष में है उचित मांग करना मेरा धर्म बनता है मेरे पार्टी का धर्म बनता है कार्यकर्ता का धर्म बनता है तो हम लोग उस धर्म को निर्वाहन हेतु यहाँ है। सरकार के एक बार बार गुजारिश होइ छले सरकार के कहना छे जे पुलिस और पब्लिक जे छे ना पुलिस और नहीं मतलब दोनों के फ्रेंडशिप होवे के चाहिए लेकिन कोई गोटे ना अब वहाँ पर फरियाद ले गए उनका हाजते में वहाँ बंद कर दियो तो ये नहीं होवे के चाहिए आई अहाँ के कार्यकर्ता के साथ घटना भेल यहाँ के कार्यकर्ता के साथ घटना घटल देखियो अहाँ कार्यकर्ता है या कोई आम आदमी है बात बुझलिए कि नहीं अहाँ राष्ट्रीय दल के गोटा छे पार्टी के लोग छे कोई आदमी के साथ इस तरह घटना नहीं घटवे के चाहिए लेकिन एक नहीं में थाना अध्यक्ष की गलती वो गलती कर लगा हाजत में बंद कह दिल का। इसके लिए हम लोग जो है सो थाना अध्यक्ष जी से मांग भी किए जो आप किसी भी आम जन के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए आपका जो मतलब है कर्तव्य बनता है आप संजोग से सौभाग्य से उस जगह पर हैं जो आपके यहाँ लोग फरियाद लेकर आते हैं आपका यह सौभाग्य है और आप उचित कार्रवाई करें उचित व्यवहार करें लोगों का सम्मान दें इससे आपकी ख्याति होगी और हर आदमी का यह कर्तव्य बनता है जो लोग का सम्मान होना चाहिए। ये थाना अध्यक्ष जी इसको स्वीकार किए हैं और आगे अच्छा कार्रवाई होगा अच्छा उम्मीद जताए हैं जो आगे ऐसी मैंने व्यवस्था बनेगी प्रखंड में जो किसी आदमी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप्पी साधे नहीं है यूं ही पता लगा पूरे जिला के कार्यकर्ता कल जो थाना प्रभारी इनके साथ बदसलूकी किया उनके साथ हम लोग थाना पर गए और थाना पर अपनी आवाज़ को रखे उन्होंने कहा मैं पहचानता नहीं था हमने जोर से आवाज़ लगाई इसके बाद DSP के पास भी अपनी शिकायत दी और संज्ञान में SP भी पास दिया और आज पूरे बछवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता बैठक किए और ये 29 तारीख को हम धरना देंगे उनके खिलाफ में और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब से नीतीश जी तेजस्वी की गोद में बैठे सारा पुलिस प्रशासन बदमाश क्रिमिनल एक हो गए हैं और अपनी जो लापरवाही को दिखा रहे हैं उस लापरवाही के विरोध में हम लोग उनकी आवाज़ को बंद कराने के लिए धरना देंगे बैठेंगे हम कोई कार्यकर्ता चुप नहीं है। सरकार से आप लोगों को हटते हैं इस तरह से आप लोगों को हाजत में बंद कर दिया जाता है इसको आप किस रूप में देखते हैं? ज्यों ही नीतीश जी तेजस्वी के गोद में बैठे मैंने पहले ही कहा कि जितने पुलिस प्रशासन थे सब बेलगाम हो गए। एक लड़ाई है जी जी वास्तुपुर का जी जी एक पर्चा की जमीन है पर्चा की जमीन पर सही माने में दोनों भाई आधा आधी पर अपना अपना कब्जा जमाए हुए हर % जो लड़ रहा था उसके पास कोई कागज पत्र नहीं था लड़ा दिया दोनों लड़ रहा है कल इसी सवाल को लेकर विवाद हुआ था आज हम लोग
सीओ मेडन के साथ बैठ करके उसको तय कर रहे थे कि ये लड़ाई नहीं हो, जो सही है उसको अपना सही करते हैं कि दोनों पर दोनों का आधा आधा है, दोनों दो बाबा के नाम से दोनों पर्चा आधा वो है आधा वो है, आधा पर एक व्यक्ति कब्जा है आधा व्यक्ति कब्जा है। और आपके कार्यकर्ता हैं उनको हाजत में बंद कर दिया गया, क्या वो अपराधी हैं क्या? ये आज 2 बजे हमारे जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, पंकज पासवान हमारे मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष हैं अभी, ये पूर्व के जिला पार्षद रहे हैं, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, इस पर फटा आपके ये गलत किया है थाना और इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त, हमारे 2 बजे हमारे जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, बहुत बड़ा आंदोलन। आप जब आप भाजपा के विधायक हैं, जब आप लोग सुरक्षित नहीं है तो भगवानपुर प्रखंड के आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो किसी कीमत पर छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, क्या आप कार्रवाई कीजिएगा इस पर? एकदम हमारे जिला अध्यक्ष अभी आ रहे हैं 2 बजे। और हमारा मेरा साथ जमीन का नाम क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है पंकज पासवान, पूर्व जिला पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं भाजपा का भगवानपुर। तो क्या मामला है? मेरे साथ जमीन का विवाद चल रहा था, वो राम जन्म चौकीदार है उसके साथ, हम अप्लीकेशन हम अपने भाई के नाम से दिलवाए थे, उसके बाद हम कहने के लिए गए, हम फिर घर गए, आँख में गुंडी वो लोग दे दिया, हम कहे कि सर जी मेरा आँख में गुंडी दे दिया है, आप जाके देखिए। कहाँ पे बोले? भगवानपुर थाना पे। तो थाना पर हम गए तो हमारा थाना का हाजत बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? बराबर। क्या नाम है उनका? संतोष कुमार शर्मा। क्या बोले वो? बोले कि जे साले इस अंदर में रहो तू। अच्छा। हाजत में बंद कर दिया। हाजत में बंद कर दिया, तब क्या हुआ? उसके बाद हाजत में आधा घंटा हम रहे हाजत में, उसके बाद मेरा बाहर कर। फिर आपके पैरवी में कौन आए? मेरा पैरवी में कोई गए नहीं, आँख में मेरा लहर रहा था, मैं हम कहे कि सर निकाल दीजिए, हम पानी आँख से धोएंगे, पानी एक बोतल दिए, हम धोने के लिए निकले, निकाल दिए, उसके बाद हम बैठे। विधायक जी पहुँचे थे थाना पर? उसके बाद विधायक जी भी आ गए, फिर विधायक जी गए थाना पर, क्या हुआ नहीं हुआ हम गए नहीं। आप शिकायत करने गए तो आपके साथ ये घटना घटी? हम अप्लीकेशन दिए हुए थे, मेरा भाई के नाम से अप्लीकेशन था, उसके बाद कहने के लिए गए और मेरा हाजत में बंद कर दिया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज पासवान, पूर्व जिला पार्षद, मंडल अध्यक्ष भगवानपुर भाजपा।